हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंगन के बारे में। क्या बैंगन के सेवन से आपको अपने पेट के लिए, अपनी पाचन शक्ति के लिए कोई फायदे होंगे या नहीं? तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, बैंगन के फायदों का वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट ने जो श्लोक अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 6 के अंदर उच्चारण किया है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य कहते हैं, वार्तकम कटु तिक्तो उष्ण मधुरम कफ वात जित सक्षारम अग्निजनन हृदयम रुच्यम अपित्तलम। अब यहाँ पर वार्तकाम का अर्थ है बैंगन। आचार्य बैंगन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद कटु, बैंगन कटु रस का है, बैंगन तीखे रस का है। उसके बाद तिक्तो उष्ण, बैंगन के अंदर तिक्त रस भी मौजूद है, बैंगन के अंदर कड़वा रस भी मौजूद है। उष्ण, बैंगन की तासीर गर्म है। मधुरम, बैंगन के अंदर मीठा रस भी मौजूद है। अब इसका अर्थ हुआ बैंगन के अंदर तीन रस मौजूद हैं, कटु तिक्त और मीठा, तीखा कड़वा और मीठा, ये तीनों रस बैंगन के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद कफ वात जित, बैंगन कफ और वात का, कफ और वायु का शमन करेगा, बैंगन आपका वजन भी कम करेगा। जिन लोगों को रेशा रहता हो ऐसे लोगों को भी बैंगन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को वात से कोई भी दिक्कत हो, वायु से रिलेटेड दर्दें रहती हों या और कोई दिक्कत वायु की वजह से हो, अगर गैस वायु के बढ़ने की वजह से बनती हो, तो ऐसे लोगों को बैंगन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद सक्षारम, क्षार का अर्थ होता है अल्कलाइन, बैंगन एक अल्कलाइन फूड है। उसके बाद अग्निजनन, ये आपकी अग्नि को और तीव्र करेगा, ये आपकी पाचन क्रिया को और तीव्र करेगा। हृदयम, ये आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा है। रुच्यम, ये आपकी भूख को बढ़ाएगा, आपकी भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाएगा। अपित्तलम, ये चाहे आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, भोजन के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी आपके शरीर में पित्त दोष को नहीं बढ़ाएगा। तो ये सब फायदे आचार्य वाग्भट ने अपने श्लोक के अंदर बैंगन के बारे में बताए हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।